तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम लोग। आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को कोई भी पैसे कमाने की टिप्स नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मैं आज की वीडियो में तुम लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसके वजह से तुम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी स्क्वाड को हरा सकते हो, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को टीम वर्क कैसे करें, फुल स्क्वाड को मारने का सही तरीका और एनिमी पर कब अटैक करना है और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना अगर तुम लोग फ्री फायर को अच्छा खेलना चाहते हो। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी पहली टिप से, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई देखो, पहले टिप्स मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग को एनमी पर कब अटैक करना है और एनमी को कैसे मारना है। अब देखो, सामने वहाँ पे एक एनमी और मेरे टीम में भी चार बंदे हैं, सामने भी चार बंदे हैं। तुम लोग अगर यहाँ पे होते तो सामने वाले एनमी को एकदम इसी तरीके से जाके मारने लगते, और यहाँ पे होता क्या कि सामने वाले बंदे तुमको यहाँ पे एकदम आराम से मार देते हैं या तुम उन लोग को मार देते। इसके बाद भाई तुम्हारे टीम को यहाँ पे लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है तुम लोग ये राउंड हार भी जाते। इसके बाद भाई देखो, मैंने यहाँ पे रस नहीं मारा और मैं यहाँ पे बैक आ गया, और जैसे ही यहाँ पे मेरा टीममेट आ गया रस मारने, तो भाई मैं भी यहाँ पे मौके का पूरा फायदा उठा लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे हो जाते हैं दो बंदे और सामने एक अकेला बंदा बचता है, जिसके वजह से हम दोनों मिलकर यहाँ पे उस बंदे को मार देते हैं। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे अपने टीममेट की हेल्प करने नहीं जाता तो मैं यहाँ पे मेरा टीममेट बिल्कुल ही आराम से मर जाता और हम लोग ये वाले राउंड को हार जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मैं वहाँ पे जल्दी से पहुँच गया। तो तुम लोग को भी ऐसे ही करना है। अब चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हो। देखो भाई, सामने यहाँ पे मेरे दोनों टीममेट मर चुके हैं और यहाँ पे एक अकेला बंदा है, और यहाँ पे वो बंदा मेरे टीममेट को मार रहा है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे जाऊँगा और उस बंदे को यहाँ पे मारने लगूंगा, और तुम लोग भी यहाँ पे यही गलती करते हो। तुम लोग ने सामने वाले एक बंदे को मार दिया और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे खड़े रह जाओगे, जिसके वजह से सामने वाले बंदे लोग आके तुम लोग को मार देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 2-2 की सिचुएशन हो चुकी है, तो मैच में कुछ भी हो सकता है। तो तुम लोग को बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर, तुम लोग को थोड़ा अलग आ जाना है, और उसके बाद जैसे ही भाई कोई बंदा है तुम लोग उन लोग को मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे 90% बंदे ये गलती करते हैं कि वो लोग अपनी स्क्वाड से अलग चले जाते हैं और बंदे लोग को मारने। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे तुम लोग को करके भी दिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्वाड से अलग आ गया, अब मैं इस बंदे को मारूंगा, लेकिन यहाँ पे ये लोग रहेंगे दो बंदे, तो ये लोग मुझे बिल्कुल ही आराम से मार देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने टीममेट से अलग आ चुका हूँ। और मेरा टीममेट अगर यहाँ पे मेरे साथ रहता तो हो सकता है हम लोग इस वाले मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला आ गया, जिसके वजह से उन लोग ने मुझे मार दिया और मेरा टीममेट भी यहाँ पे अकेला पड़ गया, जिसके वजह से सामने वाले बंदों ने मेरे टीममेट को भी बिल्कुल एकदम आराम से मार दिया और हम लोग इस वाले राउंड को हार गए। तो आप में से 90% बंदे यही गलती करते हैं, जिसके वजह से आप लोग अपना CS रैंक को खो देते हैं। अब चलो मैं आप लोग को बताता हूँ अपने टिप नंबर 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एनिमी लोग के ऊपर कैसे अटैक करना है। अब देखो, मेरी पूरी स्क्वाड यहाँ पे जिनता एक दूसरा तरीका ये है कि आप लोग पूरी अपनी स्क्वाड के साथ अचानक से रस कर दो। जैसे मैंने चारों बंदे देखो रस कर देंगे, सामने वाले बंदे को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। मैंने एक बंदे को मारा, अब भाई सामने वाले बंदे ने मुझे थोड़ा डैमेज दे दिया, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मैं थोड़ा यहाँ पे हील करने चला जाऊँगा और मेरा टीममेट एक और को मार देगा। अब मेरा टीममेट जैसे डैमेज खाएगा तो वो छुप जाएगा, फिर मैं सामने वाले बंदे को मारने लगूंगा, इसके वजह से सामने वाले बंदे कन्फ्यूज हो जाएंगे और तुम लोग मैच को जीत जाओगे। अब चलो मैं बात करता हूँ अपने यहाँ पे तीसरा टिप्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो भाई तुम प्रो प्लेयर बन ही नहीं सकते हो, जो कि ये पेशेंस एंड विन। अब मैं चलो तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई मैं पेशेंस एंड विन क्यों कह रहा हूँ। अब भाई मान लो कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ और मेरे सामने यहाँ पे एक बंदा आ जाए, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, मेरे सामने यहाँ पे एक बंदा आ गया। अब भाई मेरे पास यहाँ पे एक गन है और सामने नीचे यहाँ पे दो बंदे हैं, मैं यहाँ पे छुप जाऊँगा और सामने वाला बंदा पेशेंस अपना खो देगा और वो दोनों एकदम खुला रस्म ऊपर करेंगे और मैं एक बंदे को यहाँ पे एकदम आराम से मार दूंगा, जिसके वजह से इन लोगों की टीम काफ़ी कमजोर हो गई और ये लोग एक अकेले बंदे को भी नहीं मार पाए। अब दूसरा बंदा आया, इसको मैंने डैमेज देने को इसकी, लेकिन ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये यहाँ पे अकेला है और मैंने इसके एक बंदे को ऑलरेडी मार दिया है। ये भी देखो अंधा मेरे पर मार देता है रस, और भाई तुम्हारे भाई को करने गया था, मैंने यहाँ पे इसको मार दिया। यही एक सबसे बड़ी गलती जिसके वजह से सारे के सारे फ्री फायर प्लेयर एकदम आराम से मर जाते हैं। अगर ये दोनों बंदे यहाँ पे मेरे पर रस नहीं करते और डायरेक्टली ये लोग यहाँ पे छुप के मुझे मार देते हैं, तो हो सकता है मैं इन बंदों को यहाँ पे नहीं मार पाता। तो चलो भाई लोग, आज की इस वाली वीडियो को करते हैं यही पेंट। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो की थोड़ी सी भी टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस वाले चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाली है, और आप लोग को जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए वो भी मुझे जरूर से कमेंट में बता दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।